हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल सूजी के स्टीम मोदक। ट्रेडिशनली इसे चावल के आटे से बनाया जाता है, लेकिन आज हम चावल के आटे के बजाय सूजी से बनाएंगे स्टीम मोदक। तो मोदक के लिए पहले स्टफिंग बना लेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे, घी को गर्म होने देंगे, उसमें 2 टेबल स्पून काजू और बादाम को चॉप करके डाल देंगे, उसे थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया 1 कप, उसे इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। 1/2 कप गुड़ लिया है मैंने, उसे भी डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप गुड़ के बदले चीनी भी डाल सकते हैं। अब सब चीज़ों को मिला लेंगे, थोड़ा सा इसे भून लेंगे हम। गैस का फ्लेम अभी मीडियम रखा है मैंने, मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है इसका जाने देंगे, यानी खत्म होने देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे, 3-4 इलायची को मैंने क्रश करके लिया था उसे डाल दिया। 1/2 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, इसे भी चाहे तो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसका मॉइस्चर हम खत्म होने देंगे, यानी गुड़ और नारियल में मॉइस्चर होता है, इसका मॉइस्चर खत्म होने देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे मैंने और मोदक की रेसिपी शेयर किया हुआ है, जैसे कि स्टीम मोदक, संदेश मोदक, कोकोनट मोदक, बूंदी की लड्डू और बेसन की लड्डू, ये सब भी मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखा है किसी कारण से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और जो भी मोदक आप बना सकते हैं, जो भी बनाने के लिए कंफर्टेबल है, आप वो बना सकते हैं गणेश चतुर्थी पर। तो लीजिए, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है, इसे हम ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देंगे। अब हम इसका कवरिंग बना लेंगे, यानी डो बना लेंगे। उसके लिए 1 कप सूजी लिया है मैंने, मोटी वाली सूजी लिया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे चर्न कर लूँगी। आपके पास अगर पतली सूजी है तो बहुत अच्छी बात है, इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार चला लिया है मैंने, ये बिल्कुल बारीक हो गया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप मैंने सूजी लिया है, उसके लिए 1.5 कप मैंने पानी डाला है, यानी कि 1 कप सूजी के लिए 1.5 कप पानी परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो ये टेस्ट को एनहांस करेगा। और घी 1 टीस्पून डाल देंगे, देसी घी डाला है मैंने। देसी घी डालने से हमारा जो डो है उसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा और डो हमारा चिपचिपा नहीं बनेगा। 1 टेबल स्पून इसमें शुगर डाल देंगे, शुगर डालने से हमारा जो डो है उसमें फीकापन नहीं आएगा, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। शुगर को मेल्ट होने देंगे और पानी में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाता है, एक हाथ में हम सूजी डालेंगे, दूसरी हाथ में कंटिन्यूसली इस तरह चलाते रहेंगे। ऐसा करने से हमारी जो डो है उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे, इस बात का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, डो में कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं परफेक्ट मेजरमेंट से अगर आप पानी डालेंगे और सूजी डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया डो आपका बन जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह चला रही हूँ, कहीं भी हमारा कढ़ाई में चिपका नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। डो अभी सॉफ्ट है, ये डो सूख ना जाए इसलिए मैंने इसको ढक लिया है। ढकने से हमारा डो सूखेगा भी नहीं और इसमें स्टीम के वजह से ये सॉफ्ट रहेगा। 5-7 मिनट के बाद डो हमारा हल्का गुनगुना हो चुका है, स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है। डो को पूरी तरह ठंडा होने मत दीजिएगा, हल्का गुनगुना रहेगा। इसमें हम डो को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे हाथों से मसलते हुए। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए सॉफ्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैं हाथों से किस तरह मसलते हुए सॉफ्ट बना रही हूँ। डो को इस तरह मसलते हुए अगर आपको लगेगा कि आपका डो थोड़ा सूख गया है तो आप 1-2 टेबलस्पून पानी भी इसमें डालकर इसे अच्छे से मसल कर सॉफ्ट बना सकते हैं, या फिर 1-2 टेबलस्पून घी भी हाथ में लगाकर इसे सॉफ्ट बना सकते हैं, लेकिन डो को अच्छे से सॉफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डो बनकर हमारा रेडी हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इस तरह का एक मोल्ड ले रही हूँ,
ये मोदक का मोल्ड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मार्केट में मिल जाएगा। तो इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। डो को हर बार आप जब भी थोड़ा सा पोर्शन लेंगे बनाने के लिए, इसके बाद आप डो को हमेशा ढक कर रखिएगा, वरना ये सूख जाएगा। तो मोल्ड को बंद कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन जो लिया है हमने डो में से, इसे इस तरह इसके अंदर डालकर हाथों से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे चारों साइड्स को, ताकि जो मोल्ड के डिजाइन है इसमें आ जाए। इसलिए आप उंगली के हेल्प से इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद आप बीच में जो होल बन जाएगा उसमें आप स्टफिंग भर लीजिएगा। जितना स्टफिंग इसमें आ जाता है उतना भर लीजिएगा। इसमें से थोड़ा सा डो और लेकर इसके ऊपर इस तरह बंद कर लीजिएगा और इसे अच्छे से प्लेन कर लीजिएगा, यानी बराबर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने किया। इसके बाद हम मोल्ड को खोल लेंगे। लीजिए, बनकर तैयार हो गया है हमारा मोदक। तो आप देख सकते हैं किस तरह सुंदर लग रहा है, कैसे इसका डिजाइन भी आ गया है। तो थोड़ा सा पोर्शन और लेंगे और एक बनाकर दिखा रही हूँ आपको मैं। फिर से हम मोल्ड को बंद कर देंगे। दोबारा से इसे ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मोल्ड को बंद करेंगे। डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और उंगली के हेल्प से इसे इस तरह प्रेस कर लेंगे, ताकि मोल्ड का जो डिजाइन है वो मोदक में आ जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसके बाद इसमें एक होल बना लेंगे। अब इस होल में हम स्टफिंग भर लेंगे। जितना भी स्टफिंग इसमें आ जाए उतना भर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और डो लेंगे और इसे कवर कर लेंगे, यानी इसे बंद कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा प्लेन कर देंगे। तो लीजिए, और एक बनाकर दिखा दिया आपको। अब मोल्ड को हम खोल देंगे। तो इसी तरह सारे मोदक हम बना लेंगे। अब मैं आपको हाथ में भी एक बनाकर दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा पोर्शन इस तरह ले लेंगे और इसे वापस से ढक देंगे, ताकि ये सूख ना जाए। थोड़ा सा पोर्शन लेके इसे गोल गोल घुमा लेंगे और इस तरह उंगली के हेल्प से इस तरह हम कटोरे के शेप दे देंगे इसे। और कटोरे का शेप देने के बाद हम इस तरह से उंगली के हेल्प से इस तरह डिजाइन बना लेंगे और बीच में इस तरह एक होल रख लेंगे, जिसमें हम स्टफिंग भरेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग रख लेंगे अंदर। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग मैंने रख लिया है। जितना भी इसमें स्टफिंग आ जाए उतना हम भर लेंगे। इसके बाद इसे बंद कर लेंगे हम। तो स्टफिंग को थोड़ा सा अच्छे से दबा देंगे, ताकि ये निकल ना जाए। और आप देख सकते हैं मैं किस तरह बना रही हूँ, यानी कि किस तरह इसे घुमाते हुए नीचे से इसे बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपको घुमाते हुए इसे बंद करना है ऊपर के साइड, यानी ऊपर के तरफ आपको इसी तरह बिल्कुल बंद करना है। और इस तरह आप घुमाते हुए ऊपर थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा और इसको शेप दे दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह बिल्कुल आप सारे मोदक बना लीजिएगा। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो एक और बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसे घुमाते हुए पहले बॉल बना लेंगे। अब उस बॉल को हम इस तरह उंगली के हेल्प से घुमाते हुए एक कटोरे के शेप दे देंगे। अब इसमें इस तरह उंगली के हेल्प से इसको डिजाइन बना लेंगे। तो इस तरह आप घुमाते हुए डिजाइन बना लीजिएगा। बीच में होल रखिएगा, यानी जगह बचा लीजिएगा। उसमें हम स्टफिंग रख लेंगे, जो भी इसमें स्पेस होगा बीच में इसमें हम स्टफिंग से भर लेंगे। और इसे इस तरह घुमाते हुए नीचे से ऊपर के साइड को हम इस तरह बंद करने की कोशिश करेंगे। और लीजिए बनकर, और एक हमारा मोदक बिना मोल्ड के बनकर तैयार हो गया है। बिना मोल्ड के मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है मोदक की रेसिपी, आप उसे भी देख सकते हैं। अब सारे मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का एक होल वाली प्लेट ले लेंगे और इसे थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम सारे मोदक इसमें रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। पहले से ही मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था ढककर।
पानी में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, जो प्लेट है हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और इसे ऐसे ही ढककर रख दिया था। अब मैं इसे निकाल कर सर्व कर रही हूँ। आपके पास अगर इडली स्टैंड है या फिर स्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा स्टीम मोदक बनकर तैयार हुए है, वो भी बिना राइस फ्लावर के। सूजी के मोदक हमने बनाकर तैयार कर लिया है। 2 टेबलस्पून दूध में मैंने केसर के धागे को भिगा के रखा था गर्म दूध में, उसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। इसे ये सुंदर भी लगेगा और बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आएगा। आप चाहे तो गरम घी भी, देसी घी को इसके ऊपर डाल सकते हैं। और थोड़े से केसर के धागे से मैं इसे सजा रही हूँ, थोड़े से पिस्ते की कतरन से भी इसे सजा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे ही सिंपल रख सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गया है 20 मिनट के अंदर हमारे सूजी के स्टीम मोदक। बहुत ही आसान है। मैं इसे आपको एक काट कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। इसके अंदर जो स्टफिंग है बहुत ही बढ़िया लगता है ये। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा के लिए आप ये टेस्टी और आसान सी सूजी के स्टीम मोदक को आप प्रसाद के लिए जरूर बनाइएगा। तो कैसी लगी आज की हमारी मोदक की रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।